कि अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर यानी TEE पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के लिए होम साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और कल जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोटीन का, तो उसमें कल आधे क्वेश्चन हो गए थे और जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसे हम आज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। यही नहीं कि TEE PGT जो और भी एग्ज़ाम होते हैं होम साइंस के, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इन्हें नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने 39 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, और आज ये हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे, और ये प्रोटीन वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, अनिवार्य अभिकथन और कारण वाला है। अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं, मतलब जो कुछ अनिवार्य जो समझे जाते हैं जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों असत्य हैं, ऑप्शन सी ए असत्य है परंतु आर सत्य है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जो मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है, कितने 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है और 10 जो होते हैं वो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिकथन है, प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेलडाल विधि को उपयोग में ली जाती है। कारण क्या है? सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरा है ए सही व आर गलत है, और चौथा है ए गलत व आर सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और आर ए सही है और आर गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को व्यवस्थित कीजिए। मतलब जिसमें कम प्रोटीन होती है तो उसे पहले रखना है, जिसमें ज़्यादा होती है उसे बाद में रखना है, ठीक है। तो पहला है डबल रोटी, दूसरा चीज़ या पनीर, तीसरा मक्खन, और चौथा उबला हुआ अंडा। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 42 में पहले क्या रखेंगे? उबला हुआ अंडा, ठीक है। कौन सा? उबला हुआ अंडा, यानी कि पहले चौथा आ जाएगा। तो यहीं से अगर ऑप्शन को देखते हैं तो हमारा मतलब पहला ही आंसर लगा कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ऐसे ही ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है, आंसर को देखिए, जो आपको पक्का पता हो मतलब ये वाला है तो पहले वही टिक करिए, फिर आगे का आंसर खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले आ जाएगा उबला हुआ अंडा, फिर क्या आ जाएगा? चीज़ पनीर, मतलब दूसरा आ जाएगा ये वाला, ठीक है, उसके बाद आएगा डबल रोटी, और फिर लास्ट में आ जाएगा मक्खन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। अभी पीछे जो क्वेश्चन था उसमें प्रोटीन की घटती मात्रा के आधार पर लगाना था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? तो प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के आधार पर लगाना है, ठीक है। तो पहला क्या है? मुर्गी का अंडा, दूसरा बादाम, तीसरा है सफ़ेद डबल रोटी, और चौथा है राजमा, और पांचवा है भैंस का दूध। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन करना है, टिक करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 43 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? सी सही हो जाएगा, मतलब पहले भैंस का दूध, उसके बाद डबल रोटी, फिर मुर्गी का अंडा, उसके बाद बादाम, फिर लास्ट में राजमा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो भैंस का दूध होता है उसमें 3.68 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, कितनी? 3. भैंस का दूध इसमें कितनी पाई जाती है? 3.68 ग्राम, ठीक है, 3.68 ग्राम पाई जाती है। और जो सफ़ेद डबल रोटी होती है इसमें 10.6 ग्राम, ठीक है, इसमें कितनी? 10.6 ग्राम पाई जाती है सफ़ेद डबल रोटी में, ठीक है। और जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें 13.28 ग्राम, ठीक है, कितनी? 13.28 ग्राम मुर्गी के अंडे में प्रोटीन पाई जाती है। बादाम में कितना? तो इसमें 18.41 ग्राम, कितना? 18.41 ग्राम बादाम में पाई जाती है। और फिर बच्चा राजमा, तो इसमें 19 से 20 ग्राम, ठीक है, कितनी? 19 से 20 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इसे आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर
कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 है। ऑप्शन ए 68 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी 55 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी 78 ग्राम प्रतिदिन या फिर ऑप्शन डी 74 ग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा डी सही हो जाएगा, 74 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। धात्री मात्रा क्या होता है, तो जो स्तनपान कराने वाली माता हो, ठीक है, मतलब जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उन्हें हम धात्री माता कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है ऑप्शन ए स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ऑप्शन बी ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, ऑप्शन सी पाल्मिटिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है बी डॉट डॉट अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ऑप्शन ए गैर आवश्यक, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी आंशिक या फिर ऑप्शन डी साधारण। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रोटीन क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित एक सल्फर युक्त तो अमीनो एसिड है ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी मिथियोनिन, ऑप्शन सी फिनाइल एलालिन या फिर ऑप्शन डी वेलिन। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिथियोनिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए, पहला है सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट, दूसरा अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना, तीसरा हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट और चौथा है शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए, पहला सूजी, दूसरा मूंग दाल, तीसरा हरी मटर और चौथा है शकरकंद। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ही अभिकथन का और कारण वाले और फिर सूची वाले ये आंसर बहुत आ रहे हैं, ठीक है, ये जो इस टाइप के कोड वाले होते हैं और ये अभिकथन और कारण वाले, ये आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा अभिकथन और कारण, पहले अभिकथन पढ़िए उसके बाद कारण पढ़िए, फिर उसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अभिकथन क्या है, एक क्वासियोर्क और शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है, कारण क्या है, गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते हैं जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। ऑप्शन क्या है, ए सही है तथा आर गलत है, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए गलत है तथा आर सही है या फिर ए तथा आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी मिथियोनाइन, ऑप्शन सी एलानिन या फिर ऑप्शन डी फिनाइल एलानिन। क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एलानिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए फिर से ये कोड वाला आगे क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और कोड वाला मैंने बताया ना कि आप पहले देख लीजिएगा, जो सबसे अच्छा मतलब पक्का पता हो कि ये करेक्ट है तो आप सबसे पहले उसे टिक करिए, फिर उसके बाद ऑप्शन देख के आप आंसर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित वसीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें, एक पहला क्या है लिनोलिक एसिड, दूसरा है लिनोलिक एसिड अल्फा सॉरी गामा लिनोलिक एसिड और फिर इकोसैपनेटाइनिक एसिड, चौथा है ओलिक एसिड और फिर एरेक्डोनिक एसिड। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर
डी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में आवश्यक अमीनो एसिड हैं, पहला आइसोल्यूसिन, दूसरा एलेनिन, तीसरा लाइसिन, चौथा है ल्यूसिन और फिर आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है। हमारे कितने, 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है देख लेते हैं, आर्जिनिन है, ठीक है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है और लाइसिन है, ल्यूसिन, मिथियोनिन, फेनालाइलिन और थ्रियोनिन, ठीक है, ये क्या है, ये आवश्यक अमीनो एसिड है। जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो दस आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं, पहला ट्रिप्टोफेन, दूसरा वेलिन, तीसरा लाइसिन, चौथा ल्यूसिन, पांचवा सेरिन और फिर एलानिन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं, पहला पूर्ण प्रोटीन, दूसरा किम्बन खाद्यान्न, तीसरा है स्पाइरुलाइना और चौथा टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन और फिर है अमाइलेज रिच फूड। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा ऑप्शन कौन सा, ए सही हो, सॉरी डी सही हो जाएगा, ठीक है, 56 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये जो ऑप्शन थे वहाँ पर कट गए हैं। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 56 का डी सही हो जाएगा, पूर्ण प्रोटीन, मतलब पहला है पूर्ण प्रोटीन और फिर स्पाइरुलाइना, उसके बाद आ जाएगा टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है, पहला 6.25, दूसरा है 16.0 और तीसरा है 5.5, चौथा है 4.0। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा ऑप्शन कौन सा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, 6.25। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है, पहला इडली, दूसरा मिस्सी रोटी, तीसरा सब्जी पुलाव, चौथा मटरी और पांचवा है खिचड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, डी सही हो जाएगा, इडली, मिस्सी रोटी और फिर खिचड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, सुगंधित अमीनो अम्ल है, पहला टायरोसिन, दूसरा है ट्रिप्टोफेन, तीसरा मिथियोनाइन, चौथा हिस्टाडीन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, टायरोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, गंधक या सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, पहला मिथियोनिन, दूसरा सिस्टीन, हिस्टाडीन और फिर आर्जिनिन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, मिथियोनिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पहला अंडे की जर्दी में, दूसरा है आलू में, तीसरा हरी पत्तेदार सब्जियों में और चौथा अनाजों में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ये अंडे की जर्दी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वासियोर्कर किसकी कमी से होता है, पहला है प्रोटीन, दूसरा कैलोरी, तीसरा प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्वासियोर्कर प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, किसकी, प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, पहला एल्ब्यूमिन, दूसरा नियासिन, तीसरा ग्लूटीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये देखिए क्वेश्चन दो बार आया है, एक बार GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015 और फिर TGT उत्तराखंड 2014 में, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िए। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ग्लूटीन है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, गेहूं में पहले क्या ये गा बनाया थी
और इसमें जो प्रोटीन उसमें पाया जाता है उसमें भी पहले गा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं गेहूं से ग्लूटीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइको प्रोटीन को जाना जाता है, पहला साधारण प्रोटीन के रूप में, दूसरा व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, तीसरा युग्मी प्रोटीन के रूप में, और चौथा प्रोटेमिन के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, युग्मी प्रोटीनों के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पहला ग्लूकोज, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स अब क्लास जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहन जो भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी क्लास से जुड़ सके और इसका लाभ ले सके, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए क्योंकि अगर आप सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो था वो स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो गया है, एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो हमें भी खुशी होगी, ठीक है, और आप लोग भी खुश होंगे। तो इसलिए आप लोग मन से पढ़िए और मेहनत करिए, ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिए, हम आप लोगों को ऐसी क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है, पहला PER, दूसरा केमिकल स्कोर, तीसरा NPU और चौथा BMR। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा सी सही हो जाएगा, NPU, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है, क्या नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है, ऑप्शन ए क्वासियोरकर, ऑप्शन बी मैरास्मस, ऑप्शन सी एस्टोमलेसिया या फिर ऑप्शन डी कैरेटोमलेसिया। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैरास्मस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, अमीनो अम्ल जो, ठीक है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है, पहला सोया, दूसरा है चावल, तीसरा मक्का और चौथा गेहूँ। तो इसका हमारा ऑप्शन आप लोग को पता ही होगा, अभी मैंने पीछे बताया था कि गेहूँ में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कौन सा ग्लूटीन होता है, ठीक है, और यहाँ पर उल्टा पूछा है कि किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गेहूँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, पहला ग्लाइकोजन, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा इंसुलिन और चौथा ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। चलिए आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं बाकी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए ऐसी आगे भी महत्वपूर्ण क्लासेस कराते रहेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अभी हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, फिर लास्ट में मैराथन भी कराएंगे, ठीक है, और मॉडल पेपर भी कराएंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए रोज़ शाम 6 बजे होम साइंस की क्लास होती है, तो आप लोग अपने भाई बहन फ्रेंड्स जो भी होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन तक भी क्लास शेयर करिए और उन लोगों की भी क्लास मिलाइए ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सके, ठीक है। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।